सो गाइस केम छो मजे में, मैं प्रीतिश कुमार आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज हम बाइक एक्स्टर के एस ऑप्शनल वेरिएंट, जी हाँ मोस्ट वैल्यूएबल वेरिएंट की बात आज तो ये वीडियो में रहने वाली। तो वीडियो एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रंट से देखिए तो आपको वही सेम अपने को भाई DRS तो सेम ही आएगी एंड बट नीचे की तरफ देखें ना तो यहाँ पे अपने को हैलोजन लाइट उपलब्ध होती है, येलो लाइट ही आएगी। और इसका आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस वही सेम आता है। और यहाँ पे जो स्प्लिट फिट है वो काफ़ी बढ़िया लगती है। यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे जो स्क्रू है वो डमी स्क्रू है, दिखाने के लिए ये आते की बात दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और। तो ये भाई एक डिजाइन लैंग्वेज ही कुछ ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे अपने को ब्लैक कलर यहाँ पे अपने को ग्रिल्स उपलब्ध हो जाती है और बीच में यहाँ पे एक्स्टर का यहाँ पे हो लोगो उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ यून दे का लोगो हो गया एंड यहाँ पे अपने को DRS इसकी काफ़ी बढ़िया लगती है। एंड यहाँ पे अपने को नॉर्मल ही वाइपर आता, कोई एरोटिन वाइपर हो उपलब्ध नहीं होते। और यहाँ पे अपने को इसके टायर साइज पे देखें ना तो इसके टायर साइज 165/70 R14 इसकी यहाँ पे अपने को टायर उपलब्ध हो जाती है। फ्रंट पे अपने को डिस्प्ले आई गई है, अपने को ड्रम ब्रेक आ जाती है। और यहाँ पे अपने को जो टर्न डिग्रेस हो अपने को फेंडर पे मिलते हैं नॉट इन ORVM। और ये वेरिएंट की प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो भाई इसकी प्राइस है ऑन रोड अहमदाबाद की भी प्राइस की बात करो 7,93,000 इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है। अगर आपको अपने सिटी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग जानी तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और साइड से देखें ना उस साइड से काफ़ी बढ़िया लगती है और व्हाइट एंड ब्लैक का काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन और निकल के आ रहा है। और कई लोग बोलते हैं ना कि भाई I10 जैसी दिखती, बट एक्चुअल में आप जैसे देखोगे इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और कई लोगों की इसकी जो डिज़ाइन वो पसंद आती भी है और नहीं भी आती, बट काफ़ी लोगों की इसकी डिज़ाइन वो पसंद ही आती है। तो कोई ऐसा बंदा मुझे अभी तक मिला नहीं है कि भाई यार यहाँ पर ना ये चीज़ ख़राब लगती है एक्स्ट्रा में देखने में। और यहाँ पर देखोगे लगे भी कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ एकदम छोटी छोटी जगह पर युंदे ने बहुत ही अच्छी कारीगरी की है। यहाँ पर भी अपने को एक पैनल्स पे यहाँ पे 3D टच मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पर पीछे की तरफ भी ये पैनल के अंदर 3D टच उपलब्ध हो जाते हैं। जो आगे की तरफ जो DRLs आती है वैसी सेम यहाँ पर भी अपने को एच शेप में टेल लाइट उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पे नीचे की तरफ अपने को टर्न इंडिकेटर हो जाते हैं। और इसके हम बूट स्पेस भी देखें तो देखिए बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिलते हैं आपको। है चार पांच लोगों का सामान यहाँ पे रखना तो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे टायर साइज पे देखिए तो सेम अपने को जो बाहर मिलता है वैसा ही अपने को टायर साइज मिलेगा। एंड CNG आप लेते हो तो यहाँ पर CNG आ जाती है और यहाँ पर अपना छोटा मोटा सामान तो वहाँ पर CNG लोगे ना तो आपको उतना खास वो स्पेस नहीं मिलता। और आपको ऐसे CNG का वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे अपने को भाई 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड का बैज मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट थिंग। भाई मैं तो चाहता हूँ कि हुंडई की हर गाड़ी में ना 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड आ जानी चाहिए। और ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल सा ही अपने पौधा एंटीना आएगा, कोई अपने को शार्थिक एंटीना नहीं आएगा। तो अब चलते भाई इसके इंटीरियर्स पे, अब बात करते हैं इंटीरियर में क्या क्या है। तो यहाँ पे अपने कुछ ऑल फोर पावर विंडोज हो गए, सेंट्रल लॉकिंग हो गए, यानी जो ORVM भी आप इलेक्ट्रिक वे में एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो सीट है अपने को हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। और इसकी और थीम देखिए इंटीरियर से तो ब्लैक एंड यहाँ पे व्हाइट कलर की जो फिटमेंट और काफ़ी बढ़िया लगती है। और यहाँ पे अपने को टच स्क्रीन भी उपलब्ध हो जाती है। एंड मेन थिंग यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे अपने को TFT डिस्प्ले भी आ जाती है जो काफ़ी एक बेहतरीन चीज़ है। बट हाँ इसके अंदर आपको कोई टॉप वेरियंट में हम देखें ना तो वैसे वाले फीचर्स नहीं आते, बट आप क्लस्टर की थीम में वो भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थीम बी पे मैं रखूँगा तो रेड हो गया एंड ए। यहाँ पे अपने को स्पोर्ट्समैन में देखें ना तो यहाँ पे अपने को कोई मोड बोर्ड नहीं आते, तो आप यहाँ से वो पीछे की थीम वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो ट्राई प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। एंड हम देखें दूसरी चीज़ें जैसे कि अपने को है क्लस्टर की सारी तो मैंने बता ही दी आपको कि लाइट्स है, लाइट्स के अंदर जाएंगे तो इल्यूमिनेशन हो गई, वन टच टर्न इंडिकेटर्स अगर आपको ऑन रखना तो आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ ही साथ है यहाँ पे अपने को है भाई माइलेज हो गई, ट्रिप पे ट्रिप भी ये सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं। यहाँ पे अपने को भाई ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया और यहाँ पे अपने को भाई हेडलाइट लेवलिंग हो गई एंड यहाँ पे अपने को एक डमी स्विच वो उपलब्ध हो जाती है। भाई ये जो स्टीयरिंग व्हील पर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट नहीं कर सकते, जी हाँ टॉप वेरियंट में देखे ना तो ये एडजस्टमेंट आती, बट इसके लिए आपको कुछ आता है नहीं। और यहाँ पे अपने को भाई डिस्प्ले भी देखे तो यहाँ पे आप एप्पल कार्प्ले एंड एंड्रॉइड चला सकते हैं वायरली, बट जो टॉप वेरिएंट है तो उसमें थोड़ा सा इंटरफेस चेंज आता है इससे कंपेयर करें। और नीचे की तरफ यहाँ पे अपने को भाई मैनुअल AC हो गया, आपको कोई ऑटो
एसी को नहीं उपलब्ध होता है। नीचे की तरफ यहाँ पे अपने को भाई एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट होगा, 12 का चार्जिंग सॉकेट होगा, यूएसबी टाइप ए पोर्ट होगा, और यहाँ पे अपना फोन को रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होगा। एंड भाई इसके अंदर आपको रिवर्स कैमरा नहीं मिलता, बट आपको यहाँ पे अपने को सेंसर हो उपलब्ध हो जाते हैं, विच इज ग्रेट थी। यहाँ पे अपने को मैनुअल डिमिंग फायर व्यू हो गया, अपने को ग्लोव बॉक्स में लिखे तो इतना कुछ अपने को स्पेस हो मतलब हो जाता नहीं है। ग्लोव बॉक्स देखते तो अपने को फोल्ड एरिया था, और ऊपर की तरफ यहाँ पर भी अपने को स्पेस उपलब्ध हो जाता है। बाकी यहाँ पे अपने को भाई माइक हो गया, एंड यहाँ पे अपने को सुंदर बन रूप नहीं आते, बट आइए वेरियंट में प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको भाई 8,93,000 इसकी ऑन रोड अहमदाबाद प्राइसिंग है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी सिटी का मैं आपको प्राइसिंग बताऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब चलते भाई पीछे की तरफ, पीछे में अपने को कितना स्पेस मिलता, मेरी हाइट है भाई 5'8" ही, तो उस हिसाब से देख लीजिए आपको कितना स्पेस मिलने वाला है। बंद कर देते हैं इसे। एंड इसके जो रियर डोर है वो काफ़ी मतलब बड़ा है एज कम्पेयर टू द फ्रंट वर, और आपको अच्छा खासा पीछे तो स्पेस मिल जाता है। और हेडरूम की बात करें तो अपने को इतना कुछ हेडरूम वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और सेगमेंट में हम देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट हाइट वाली ये Hyundai Exter है, तो आपको हेडरूम वाइज कोई दिक्कत हो नहीं आने वाली। और पीछे जो हेडरेस्ट अपने को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आपको बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं आता। बट यहाँ पे बीच में ना बैठने की बात है तो ये बम से कंट्रोल में किया गया, तो आपको बैठने में कोई दिक्कत हो नहीं आने वाली। एंड यहाँ पे अपने को 12 का चार्जिंग सॉकेट हो गया रियर एसी वेंट पर। एंड इसमें यहाँ पे मैं बैठ के भी दिखा दूँ तो यहाँ पे आप आराम से ना बीच में एक बंदा बिठा सकते हैं, और कोई आपको ऐसा कोई दिक्कत हो नहीं आने वाली। पार वाइज एंड एक्सटर्न में आपको कोई ऐसा जो फिटमेंट वाइज कहीं पर भी कंप्लेंट नहीं है। हाँ, इन्होंने यहीं पर भाई कमाल कर दी थी कि उनकी जो फिटमेंट होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। तो चलिए अब चलते इसके कंक्लूजन पे। एंड भाई अब बात है इसके कंक्लूजन की कि आपको एक्सटर का एस ऑप्शनल वेरियंट लेना चाहिए नहीं। तो देखिए इसके जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है मुझे इस प्राइसिंग पे। भाई आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, आपको अच्छी खासे फीचर मिल रहे हैं, तो क्यों ना आप ये गाड़ी लो, क्योंकि इसके अंदर आपको भाई डिजिटल स्पीडोमीटर हो गया, अपने को टच स्क्रीन आ जाती है। हाँ, यहाँ पे अपने को अच्छे खासे एलॉयज नहीं आते, वो एक कमी है कि भाई इसके अंदर अच्छे एलॉयज आते और एकदम मज़ा आता। बट ओवरऑल गाड़ी देखें ना तो काफ़ी बढ़िया लगती है एसयूवी लुक के साथ आती है। तो आज का वीडियो भाई यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।